हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नीट पीजी 2020 के बारे में, जिसका कि एनबीई ने शेड्यूल रिलीज कर दिया है। आपका जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होंगे और 300 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ में आपका जो एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, और रिजल्ट जो होगा आपको वो 31 जनवरी को डिक्लेयर कर दी जाएगी। आपको इसमें देखिए, जो आपको इसमें कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो हैं एमडी का, एमएस का और पीजी डिप्लोमा सीट्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको काउंसलिंग होगी। यदि आप लोगों को काउंसलिंग के दौरान अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है या फिर आप काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7047542127, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको विजिट करना है www.mcc.nic.in पे, आपको विजिट करके उसके टच में रहना है। सारे काउंसलिंग के अपडेट मिलते रहेंगे या फिर हमारे चैनल के टच में रहेंगे तो सारी जानकारी मिलेंगी। फॉर 2020 सेशन 50% के लिए आपको एमसीसी के साइट पे मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यह है कि कितने सीट पे काउंसलिंग होगी पीजी के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देयर आर टोटल्स 48,031, यानी कि 4831 पीजी के सीट हैं। आपको इतने काउंसलिंग पे आपको पूरे भारत में काउंसलिंग कराई जाएगी, हो सकता है ये सीट इंक्रीज भी करेगी, ठीक है। और आपको बताता हूँ पार्टिकुलर एमडी के लिए आपको जो सीट है वो है 19,161, एमएस के लिए आपका है 10,363, डीएम के लिए आपका है 1,283, एमसीएच के लिए आपका है 1,286, और डिप्लोमा के लिए है आपका वो है आपको 9,167, पीएनबी एंड डीएनबी के लिए आपका है वो 8,261 सीटें हैं। साथ में आपका सीपीएस डिप्लोमा के लिए आपका है 243, और एम्स दिल्ली के लिए है वो 1,564 सीट पे आपको काउंसलिंग होगी। पीजी मर चंडीगढ़ के लिए 941 सीट पे काउंसलिंग होगी, और जिपमर में आपको 2,251 सीट पे काउंसलिंग होगी। वहीं आपको बात करते हैं एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, मंगलागिरी और नागपुर में 522 सीट पे काउंसलिंग होगी। तो यानी कि टोटल आपको कुल मिला के 48,031 यानी कि 4831 सीट पे काउंसलिंग होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो पक्का लाइक कीजिए, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं या कोई भी इंक्वायरी है आप इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू।